पास शुगल है, शुगल करते हैं, इससे काम चलता है, ठीक है, जो जल्दी होता है। एक चाइनीज प्रोजेक्ट काम कर रहा है जो कि जबोड़ी पावर प्रोजेक्ट के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सोलो ट्रैवलर और आज एक नई डेस्टिनेशन के साथ आपके साथ जा रहे हैं जनाब। हम लोग यहां से निकले हैं वाकेंड से, और वैसे इस्लामाबाद से तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत पे वाक़ा है, और अगर हवेलियां आप पहुंच जाते हैं तो रास्ते में आपको बेतहाशा खूबसूरत मनाजिर भी मिलेंगे। ज़बरदस्त जो है वो रवायती सा हम लोग ये एनवायरनमेंट दिखाने लगे हैं। हम लोग घर से निकले, इरादा कुछ और था लेकिन रास्ते में कुछ इरादा चेंज हुआ और हम लोग वादी सिरन की तरफ निकल आए, लेकिन रास्ते में ये ढोल ज़रा बजते हुए हमने देखे तो हमने सोचा कि जनाब इनको जाके देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बवाई हो रही है इस चीज़ में, तो इनके पास ज़रा चल के देखते हैं ये कर क्या रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल नया कुछ हो रहा है, कुछ हमने देखा तो हम उतर के आ गए इधर ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? काटते हैं वो भी सब लोग गांव वाले इकट्ठे हो गए। अच्छा, आपका नाम क्या है? आबिद हुसैन नाम है मेरा। आबिद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम दाजी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो इधर से गुजरते हुए ये आप लोगों की ये मोहब्बत और खुशी ये देखी कि ये ढोल किताब के आप लोगों ने, तो ये हम लोग रुक गए और इधर आ गए। तो कुछ थोड़ा सा बताएं ना, ये क्या रवायत है ये जो आपका है, ये जो ढोल किताब पे क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बस शुगल है, शुगल करते हैं, इससे काम चलता है, ठीक है, जो जल्दी होता है, और हमारा ये काम जो है जो शुगल मेले से हो जाता है, ठीक है, इसलिए जो है जो आपका नाम क्या है जी? ये शबीर अहमद है, शबीर अहमद। आपका नाम शबीर अहमद है, माशाल्लाह। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहांगीर। जहांगीर, तो ये जब भी गंदम या ये इसकी चावल की फसल काश्त की जाती है तो ऐसे ही इसी तरह? हाँ, ऐसा ही शुगल मेले से होता है। तो ये कोई इसके पैसे वगैरह लेते हैं? नहीं, पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं, ये सब लोग अशराले हैं। अच्छा 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 अच्छा, सारे बुलाए हुए हैं? हाँ, सब बुलाए हुए हैं। गांव के लोग हैं सारे? गांव अपने गांव। अच्छा, तो ये जब भी आप करते हैं इसको तो मिल के आपस में? हाँ, आपस में। जब किसी के भी एक का खत्म, एक दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ये मोहब्बतें बरकरार रखे और इतनी खूबसूरत
तो इस गांव का नाम क्या है? ये लमीपट्टी जी, लमीपट्टी सोम। सोम, अच्छा अच्छा, लमीपट्टी सोम। और ये एबटाबाद में आता है, यमन से मानसेरा में, मानसेरा में। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी, वाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, ये पाइन व्यू होटल है और ये आप बैक पे जो व्यू देख रहे हैं ये इसके टेरेस से है। हम लोग जिस वक्त वाकेंट से स्टार्ट हुए मूव किया तो जो हमने हसन अब्दाल से मानसेरा वाली मोटरवे को चूज़ किया, मोटरवे जब ख़त्म होती है मानसेरा के पास तो वहाँ से तकरीबन 43 किलोमीटर के फासले के बाद ये लोकेशन आती है। ये सिरन वैली की तरफ जा रहा है रास्ता, अभी भी 5 से 6 किलोमीटर हम लोग पीछे हैं। यहाँ पे पाइन व्यू होटल पे रुके हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और सुना है खाना भी अच्छा है, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे और आगे आपको बताएँगे कि क्या कुछ आपको और कितने खूबसूरत मनाजर हैं। तो आप ये मेरे साथ साथ देख सकते हैं जनाब, ये क्या खूबसूरती है। जबोड़ी ये गांव है और यहाँ पे इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ पे एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट काम कर रहा है जो कि जबोड़ी पावर प्रोजेक्ट के नाम से है। 10.2 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, 5.1 की 2 टरबाइन यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन ये बात असल नहीं है जो बताने वाली है। अभी जो एक इंटरेस्टिंग हमने वाकया देखा, हम पावर प्रोजेक्ट के अंदर गए, रिक्वेस्ट की यहाँ पर तो उन्होंने हमें विज़िट कराया, तो जो सबसे यूनिक बात देखने को मिली कि ये प्रोजेक्ट चाइनीज़ डील कर रहे हैं और कुछ देर के बाद एक खातून एक टरबाइन में से निकल के आती है और गंदे मंदे कपड़े पहने हुए और वो काम करते हुए लग ऐसे रहा था कि कोई वर्कर है। तो जिस वक्त हमने उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की तो हमें बताया गया कि ये इस प्रोजेक्ट की GM है और GM खुद वर्कर्स की तरह काम कर रही है, तो ये ही रीज़न है इन कौमों की तरक्की की। और आई बिलीव कि जब तक हम लोग भी, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसी तरह काम करना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम भी तरक्की नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये सारी की सारी जो मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इंफॉर्मेटिव होंगी और आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस वक्त आप जबोड़ी पावर प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे साथ ही एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दरिया बह रहा है, ये खूबसूरत किस्म का दरिया। और इस ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये पावर प्रोजेक्ट की है और यहाँ पे चाहे डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी और फॉरनर। ठंडे पानी के किनारे बैठे हुए इन्जॉय करना ये भी एक ज़बरदस्त है। और शाम का वक्त है, मौसम बहुत अच्छा है,
और अगर स्पेशली आप लोग इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये 2.5 से 3 घंटे का फासला है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप पहुँचते हैं तो आपको बहुत ही सूदिंग सी फीलिंग आती है, ठंडा पानी है और आपको होटल वगैरह भी मिलता है। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो पीछे कुछ होटल्स हमने देखे हैं, वहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि ये क्योंकि सावन का मौसम है तो इसलिए यहाँ पर हवा थोड़ी सी बंद है, लेकिन आम दिनों में फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो अभी इस्लामाबाद या लाहौर की या कराची की जो गर्मी है उसके मुकाबले में यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है और खूब इंजॉय करने वाला मौसम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।